नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के यमुनानगर के अमादलपुर में बुढ़िया निवासी 27 वर्षीय शादाब नामक शख्स की 30 जून की रात को हुई हत्या का मामला अब गर्माता सा जा रहा है। शादाब बुढ़िया कस्बे में रेडीमेड एंड गारमेंट्स की दुकान चलाता था। 30 जून की रात शादाब अपने दोस्त पिंटू राणा से मिलने के लिए आया हुआ था। इसके बाद परिजनों को सूचना मिली कि शादाब अमादलपुर गांव में खून से लथपथ पड़ा है, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चलाने वाला शादाब से आरोपी सोनू और अभिषेक पहले से ही रंजिश रखे हुए थे और उसके साथ पहले भी झगड़ा कर चुके थे। बुधवार की रात को उनकी कहासुनी भी हुई थी, जिसके चलते ही उन्होंने रॉड और डंडों से हमला कर शादाब को मौत के घाट उतार दिया था। परिजनों के मुताबिक शादाब ने मरने से पहले 8 आरोपियों के नाम बताए थे और उसने दर्जन भर लोगों पर अपनी हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद उसके भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि माली माजरा निवासी अभिषेक कम्बोज, भोगपुर निवासी सोनू गुज्जर और चरणजीत राणा, बुढ़िया के बिलाल और चूनाभट्टी निवासी आबिद समेत 8 लोगों ने मिलकर शादाब की हत्या की है। आज मृतक के परिजन सैकड़ों की संख्या में जिला सचिवालय पहुंचे और जोरदार हंगामा किया। इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें जिला सचिवालय के गेट पर ही रोक लिया। इसके चलते जगाधरी और यमुनानगर को जोड़ने वाली सड़क जाम हो गई। इन लोगों का कहना था कि पुलिस ने मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है जो सरेआम गाँव में घूम रहे हैं और उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। आरोपियों में कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जो भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी पुलिस और प्रशासन की होगी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। आज हम, क्योंकि उसके 7 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसको अरेस्ट नहीं किया गया, इसलिए एसपी साहब को मिलना है। सर, कौन लड़की है जिनके साथ वो गया था घर से? उनके नाम हमने दे दिए, कुछ के नाम हमने दे दिए, कुछ तफ्तीश चल रही है, सीआईए 2 में तफ्तीश कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। जिस जिसके भी नाम आएंगे, लगभग 15 लड़के थे, हम ये चाहते हैं अभी नजायज तो कोई फंसे ना। जिसने गलत काम किया, जिसने उसको मारा, जिसने उसको टच भी किया है, उसको सजा दिलवा कर रहेंगे। और ये हमारा भी संकल्प है, अगर ये अब भी कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद हम फिर इससे बड़ा भी प्रदर्शन करेंगे और इससे बड़ा कोई भी रोड जाम करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारा साथ देगा। क्या नाम था लड़के का, कितनी उम्र है? शादाब लड़का। क्या काम करता था? लगभग 27 साल। मामला क्या था, रंजिश थी या कोई आपसी? कोई मतलब उसकी रंजिश, कोई रंजिश नहीं थी, क्योंकि आजकल वो अपने दुकानदारी चला रहा था अपने आराम से, कोई किसी के साथ कोई रंजिश नहीं रख रहा था। सूचना क्या आई थी इसके मृत होने की, क्या सूचना मिली?